प्रदेश के चंबल अंचल की मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीट बेहद खास इसलिए हो गई है क्योंकि यहां से खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सीट से अपने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर को दोबारा मौका दिया है। दोनों ही प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने दिमनी विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक रहे बलवीर दंडौतिया को इन दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच में उतार दिया है। ऐसे में सीट पर मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प हो गया है क्योंकि सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आखिर कौन दिमनी विधानसभा के इस किले को भेद पाएगा? एमपी विधानसभा चुनाव में ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां से बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और नामांकन भरने के बाद अपने दल बल के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर भी नामांकन के बाद विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडौतिया भी पीछे नहीं है। वो भी नामांकन भरने के बाद लगातार लोगों के बीच में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी दिमनी विधानसभा पर इस बार चुनाव में बीजेपी सरकार के विकास जन कल्याण योजनाओं के साथ जनता के समर्थन के साथ चुनाव जीतने का दावा कर रही है। चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है, इसलिए अब प्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होएगा। मैंने कहा ना, अप्रत्याशित बहुमत। कांग्रेस प्रत्याशी और दिमनी विधानसभा से मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर भी चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वो बीजेपी पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि रविंद्र सिंह तोमर चुनाव से विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ कोरी अफवाह है। रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 2008 से विधानसभा सीट सामान्य होने के बाद से बीजेपी कभी भी इस सीट पर चुनाव नहीं जीती है। कांग्रेस ने तीसरी बार उन पर विश्वास किया है। ऐसे में दिमनी में कांग्रेस को जनता चुनेगी और वो अपने प्रतिद्वंदी को 50,000 वोटों से हराएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की जीत के दावों के बीच दिमनी विधानसभा पर एक और मोर्चा दमदारी दिखा रहा है और वो मोर्चा है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस सीट से बीएसपी ने अपने पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडौतिया को दोबारा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ऐसे में वो भी विधानसभा की जनता से आशीर्वाद का भरोसा जमाए बैठे हैं। बलवीर दंडौतिया का कहना है कि उनके साथ विधानसभा के सभी वर्ग और समाज के लोग समर्थन में हैं। तो वहीं इस चुनाव में अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को चुनौती नहीं मानते हैं और सभी को पीछे छोड़ते हुए अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस समय दिमनी विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहां से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने लाओ लश्कर के साथ जीत की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर भी जनता के बीच पहुंचकर जीत का विश्वास जगा रहे हैं। लेकिन तीसरे दल बीएसपी के प्रत्याशी बलवीर सिंह दंडौतिया बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में दिमनी विधानसभा के इस चुनावी रण में किस पार्टी का योद्धा विजयी होता है, ये सब तो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे ही बताएंगे।